क्वेश्चन नंबर सेवन, इसमें m का वैल्यू दे रखा है और n का वैल्यू दिया हुआ है, हमें प्रूफ क्या करना है, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू 16 mm, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को LHS से। m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का पहले वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, जो भी आएगा उसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, तो m के जगह पे n का वैल्यू पुट करते हैं, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस n का वैल्यू हो गया tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा sin थीटा माइनस, इसको ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे, ये हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा, ठीक है। इस ब्रैकेट को भी ब्रेक कर दिए और इसको भी ब्रेक कर दिए। अब ये ब्रैकेट है, इसको अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये पूरा ये आ गया, ठीक है। तो ये ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं अगर हम, तो सबका साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस हो गया, ये जो प्लस है ये भी माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर कैंसिल हो गया, sin स्क्वायर थीटा ये भी कैंसिल हो गया, और ये दोनों टर्म ऐड हो गया, तो 2 tan थीटा sin, 2 tan sin, तो ये हो गया 4 tan थीटा sin थीटा, ये आ गया, ठीक है। अब अगर यहाँ पे स्क्वायर, यहीं पे अगर हम स्क्वायर लिए होते हैं पूरे का, इस पूरे का स्क्वायर हो जाता, इस पूरे का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर, तो ये हो जाता 4 tan थीटा sin थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाता 16 tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। लेकिन सॉल्व करके क्या लाना है हमें, इक्वल टू 16 mm। तो अब यहाँ से तो इसको 16 mm पहुँचाना थोड़ा मुश्किल लग रहा है, क्या करते हैं हम लोग RHS वाले पार्ट को भी सॉल्व कर देते हैं 16 mm को, ठीक है। ये जो पार्ट किया हमने सॉल्व LHS को सॉल्व करके ये आ गया, अब RHS को सॉल्व कर देते हैं। तो RHS में है 16 mm, यहाँ पे m और n का वैल्यू पुट करते हैं, तो n का वैल्यू हो गया tan थीटा प्लस साइन थीटा, और n का वैल्यू हो गया tan थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक। तो ये हो गया 16 tan, ये a प्लस b, a माइनस b के फॉर्मूले में फिट हो रहा है यहाँ पे, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये हो गया 16 tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन हमें लाना है क्या, tan स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे आ रहा है tan स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे, पहले इसको tan स्क्वायर के बदले में लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, 16 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बच गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। ये बन गया 16 साइन स्क्वायर थीटा, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यहां पे ये आ गया 16 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा को इसके नीचे लिख लेते हैं, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बन गया साइन स्क्वायर थीटा। अब ये 16 साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इसके जगह पे हम लिख सकते हैं टेन स्क्वायर थीटा, और ये आ गया साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा जो प्रूफ करना था वो मैच हो गया। इक्वल टू, इसी के बगल में जगह कम है, यहीं पे लिख देते हैं, इक्वल टू 16 साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर, ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो यही हमें लाना था प्रूफ करके। तो ये LHS और RHS, मतलब ये लाना नहीं था, लाना था 16 mm, ठीक है। तो हमने 16 mm को सॉल्व किया, तो उसमें भी आ गया 16 tan स्क्वायर साइन स्क्वायर, और LHS में भी आ गया 16 tan स्क्वायर साइन स्क्वायर, ठीक है। तो LHS इक्वल टू RHS।